हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? ऊपर से लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं हीरो की स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 की। ये इसका नया मॉडल है जो हाल ही में न्यू लॉन्च हुआ है। तो आज की वीडियो में इसकी डिटेल रिव्यू करेंगे, जानेंगे इसके चेंजेस के बारे में और क्या इसकी प्राइस है। और दोस्तों अब ये बाइक दोस्तों आपको जो ऑन रोड कितने की पड़ेगी, इन सभी के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हम शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले स्पेशली थैंक्स टू काना मोटर्स जिन्होंने ये बाइक मुझे रिव्यू करने के लिए अवेलेबल कराई। दोस्तों अगर हीरो का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो शोरूम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शोरूम की डिटेल्स मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। फ्रंट में दोस्तों इसमें आपको इसकी लुक मिलती है। दोस्तों इस बाइक का जो है मैट ब्लैक कलर है और इसमें आपको ऑरेंज कलर का स्टिकर मिल जाएगा। हीरो की स्प्लेंडर प्लस की बैजिंग मिल जाएगी। सबसे बड़ा चीज़ इस बाइक में आपको मिलता है, आपको इस बाइक में जो है फुली LED इसमें आपको हेडलैम्प मिलेगा। यहाँ पर आपको LED मिल जाएगी और इसमें आपको फुली LED हेडलैम्प का सेटअप मिलता है। सबसे बड़ा चेंज इस बाइक में आपको ये देखने को मिलता है, इसमें आपको LED हेडलैम्प दे दिया गया है। तो बहुत से लोग दोस्तों जो है बाहर से मॉडिफाई कराते थे, LED हेडलैम्प डलवाते थे, लेकिन अब कंपनी जो इस बाइक में LED हेडलैम्प दे दिया गया। यहाँ पर आपको इंडिकेटर पूरा चेंज मिलेगा। इस बाइक में आपको बिल्कुल न्यू शेप का इंडिकेटर दे दिया गया है। इसमें आपको हैलोजन बल्ब का इंडिकेटर मिलेगा। और फ्रेंड्स अब आपको इस बाइक में जो हज़ार की लाइट देखने को मिलेगी, जिससे आप इसकी लाइट को जो है इंडिकेटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें आपको हज़ार का स्विच दे दिया गया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और फ्रेंड्स मैं आपको इसका स्विच दिखा दूँ, इसमें आपको हज़ार का स्विच मिल गया है। और दोस्तों इसके चार इंडिकेटर जो एक साथ ब्लिंक करेंगे। वहीं दोस्तों बात करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल के बारे में। रियर में इस बाइक में कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको बिल्कुल नई इसमें टेल लैंप मिल जाएगी। टेल लैंप में आपको HCP टेल लैंप मिलेगी। इसमें आपको बल्ब मिलेगा। यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। रियर में दोस्तों इसका जो रियर मडगार्ड है वो भी पूरा चेंज कर दिया गया है, देख सकते हैं पूरी शेप इसकी जो है चेंज कर दी गई है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, बड़ा सा स्नो को मडगार्ड दिया गया है। और दोस्तों बात करते हैं इसके स्विचेस कंट्रोल के बारे में। तो फ्रेंड्स अब आपको इस बाइक में जो है बिल्कुल नया स्विचेस कंट्रोल दे दिया गया है। और सबसे बड़ा चेंजेस है इस बाइक में आपको जो है पासिंग स्विच दे दिया गया है, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों की शिकायत थी कि स्प्लेंडर में पासिंग का स्विच नहीं आता है। अब आपको इस बाइक में कंपनी जो है पासिंग का स्विच भी दे दिया गया है। यहाँ पर आपको बिल्कुल नया इसमें आपको लो बीम हाई बीम का स्विच मिल जाएगा, टर्न इंडिकेटर का स्विच मिल जाएगा, यहाँ पर आपको हॉर्न का स्विच मिल जाएगा। इसमें यहाँ पर आपको हज़ार की लाइट मिल जाती है, दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है। अब आपको स्प्लेंडर में भी हज़ार की लाइट दे दी गई है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें आपको नए चेंजेस दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको बात करते हैं इसके राइट साइड के बारे में। तो फ्रेंड्स राइट साइड में यहाँ पर आपको देख सकते हैं इसमें आपको बिल्कुल नया इसमें आपको जो I3 का स्विच मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट का स्विच मिल जाएगा। इस बाइक में काफ़ी जो है बिल्कुल नया इसमें आपको स्विचेस कंट्रोल दे दिए गए हैं। यहाँ पर आपको साइडर मिल जाएगा बॉडी कलर का। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इसके मीटर कंट्रोल के बारे में। फ्रेंड्स इस बाइक में आपको दोस्तों देखिए इस तरीके इसमें आपको की मिल जाएगी, की में आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। और बात करते हैं इसके मीटर के बारे में, इसमें आपको जो है फुली डिजिटल मीटर दिया गया है स्प्लेंडर प्लस का एक्सटेक वाला, वही इसमें आपको सेम मीटर कंट्रोल देखने को मिलता है। इसमें आपको स्पीड मीटर मिल जाएगा, इसमें आपको जो है लो फ्यूल का इंडिकेटर मिल जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको साइड साइड इंडिकेटर न्यूट्रन की लाइट मिल जाएगी। और इसमें आपको दो तरीके का ट्रिप मीटर मिल जाएगा, ट्रिप 1 ट्रिप 2, इसे अपने हिसाब से जो सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपको स्प्लेंडर प्लस का जो एक्सटेक मॉडल आता था वही पूरा इसमें आपको मीटर कंट्रोल दिया गया है। यहाँ पर आपको पेट्रोल टैंक मिल जाएगा, इसमें आपको मैट ब्लैक कलर में, ये इसका E20 मॉडल है। और फ्रेंड्स इसमें आपको जो है 9.8 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। इसमें आपको जो 60 से 65 किलोमीटर पर लीटर की इसमें आपको एवरेज मिल जाती है। यहाँ पर आपको टैंक पर स्टिकर मिल जाएगा, इसमें आपको हीरो का 3D एम्बलम मिल जाएगा सकते हैं। इसमें आपको ये बिल्कुल नया इसमें आपको टैंक मिलेगा, पूरा स्टिकर का जो चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर आपको दोस्तों इसका क्लब बॉक्स मिल जाता है, इसमें आपको प्रोग्राम FI की बैजिंग मिल जाएगी। और इसका जो साइज़ थोड़ा जो बढ़ चुका है, पहले ये काफ़ी छोटा सा आपको देखने को मिलता था, अब इसका साइज़ जो है बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर आपको स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक की 2.0 की इसमें आपको बैजिंग मिल जाएगी। इसमें आपको 3D एम्बलम मिल जाएगा, स्प्लेंडर प्लस का बिल्कुल नया एम्बलम ये आया है। यहाँ पर आपको स्टिकर मिल जाएगा ऑरेंज एंड मैट ब्लैक कलर में। इस बाइक में काफ़ी ज़्यादा दोस्तों चेंजेस किए गए हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इसके सीट के बारे में। इसमें आपको जो है वही सीट मिलेगी, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल इसमें आपको सीट मिल जाती है। यहाँ पर आपको हीरो की बैजिंग मिल जाएगी, इसमें आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा,
ग्रैब हैंडल में इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, वही पुरानी वाली स्प्लेंडर का इसमें ग्रैब हैंडल दिया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट चेंज की तरफ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के टायर साइज के बारे में। तो फ्रंट में यहाँ पर आपको मडगार्ड मिल जाएगा, इसमें आपको बॉडी कलर का मडगार्ड मिल जाएगा मैट ब्लैक कलर में। फ्रंट में आपको सस्पेंशन मिलेगा टेलीस्कोपिक का, हाइड्रोलिक का शॉक अब्जॉर्बर मिल जाएगा फ्रंट में। यहाँ पर आपको सिंगल हॉर्न मिल जाएगा इस बाइक में। बात करते हैं इसके फ्रंट टायर साइज के बारे में। फ्रंट में आपको टायर मिलता है इसमें आपको 80x100 का ट्यूबलेस टायर मिलता है 18 इंच के अलॉय व्हील के साथ। इसमें आपको यूरो ग्रिप का इसमें आपको टायर दिया गया है। यहाँ पर आपको इसमें आपको 130mm की फ्रंट में ड्रम ब्रेक मिल जाएगी सकते हैं। इसमें आपको IBS दिया गया है, यहाँ पर आपको IBS का स्टिकर नहीं मिलेगा। पहले आपको मडगार्ड पे IBS का स्टिकर देखने को मिलता लेकिन अब आपको इसमें IBS का स्टिकर नहीं मिलेगा। आइए दोस्तों बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। इसमें आपको इंजन मिलता है 97.2 cc का सिंगल सिलेंडर का। इसमें आपको एयर कूल्ड का इंजन मिलता है। इसमें आपको मैक्सिमम पावर मिलती है 7.9 bhp की। मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा इसमें आपको 8.05 Nm का। इसमें आपको 4 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्टार्ट एंड मिल जाएगा, यहाँ पर आपको डबल स्टैंड मिल जाएगा। इस तरीके से आपको रेड रिफ्लेक्टर्स मिल जाएगा। और फ्रेंड्स इसके जो चैन कवर भी पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। अब आपको इस बाइक में जो है पावर बॉडी का चैन कवर दिया गया है। इसमें आपको कोई भी मेटल बॉडी का चैन कवर नहीं मिलेगा। इसमें यहाँ पर आपको सारी गार्ड मिल जाता है विद लेडीज फुटर्स के साथ। और दोस्तों काफ़ी अच्छा कर दिया गया है क्योंकि दोस्तों जो मेटल बॉडी का चैन कवर रहता है काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता है हल्की सी भी अगर चैन ढीली हो जाए तो। लेकिन आपको इसमें अब इस वाले बाइक में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। रियर में आपको सेम टायर साइज मिलेगा, इसमें आपको 80x100 का ट्यूबलेस टायर मिलेगा 18 इंच के अलॉय व्हील के साथ। और यूरो ग्रिप का इसमें आपको टायर दिया गया है। रियर में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक मिल जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट चेंज की तरफ। यहाँ पर आपको इसका एग्जॉस्ट जो है पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर आपको फ्लैट इसका एग्जॉस्ट दिया गया है मैट ब्लैक कलर में। और इसकी स्टील की प्लेट भी जो है पूरी तरीके से चेंज कर दी गई है, देख सकते हैं। पहले स्प्लेंडर में आपको जो थोड़ा एग्जॉस्ट इसका आगे से निकला रहता था, इसका स्टील का प्लेट भी पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है, देख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक इस बाइक की आ रही है, काफ़ी नए नए चेंजेस बाइक में हुए हैं। ये भी दोस्तों एक नया चेंजेस है। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके ग्लव बॉक्स की तरफ। इसके ग्लव बॉक्स का साइज भी जो है बढ़ा दिया गया है, जिसमें आपको प्रोग्राम फाइव की पैचिंग मिल जाएगी। इसका साइज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। ये भी एक नया चेंजेस है इस बाइक का। तो दोस्तों ये सारे चेंजेस के साथ ये बाइक जो है लॉन्च हुई है। और पर आप सभी को ये बाइक अच्छी लगी होगी। अगर ये बाइक आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको ये बाइक कैसी लगी। बात करते हैं इस बाइक की प्राइस के बारे में। तो दोस्तों ये बाइक आपको ऑन रोड पड़ेगी 2024 में 99,000 लेकर 1,02,000 रुपये तक। तो फ्रेंड्स हर स्टेट में आपको जो 1,000 से 2,000 का फ़र्क आपको देने को मिल सकता है, इससे ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी बाइक ये जो हीरो ने लॉन्च करी है, और पढ़ता हम सभी लोगों को पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखने का धन्यवाद। मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thanks.